Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी, करीब 500 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ। और रीज़न बहुत स्पष्ट था कि जो ट्रेडर्स को एक लग रहा था कि फेड जो है वो रेट कट करने वाला है, या पूरी उम्मीद थी कि फेड जो है वो रेट कट करने के कागार पे है। लेकिन जो अभी इन्फ्लेशन का लास्ट में डेटा आया है, हॉट इन्फ्लेशन आया, और उसने जो है ये जो उम्मीद थी उसके ऊपर पानी फेरा और निफ्टी ने लगाया गोता 500 पॉइंट का। तो अब ओवरऑल मार्केट के अंदर सिनेरियो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा है, कोई न्यूज़ और डेटा जो है वो बहुत ख़राब है। ये एक नॉर्मल साइकिल है, इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी। और मार्केट के अंदर जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। तो एक अच्छी खासी गिरावट आई है 500 पॉइंट की। देखना ये होगा कि जो मेजर लेवल है, अभी भी मेजर लेवल जो है वो उससे मार्केट ऊपर ही है। तो चलिए एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि लास्ट वीक हमने जो फोरकास्ट किया था उसको मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो लास्ट वीक हमारा मंथ का सपोर्ट था 21,780, और जो डे का सपोर्ट था वो था 22,327, और हमारा वीक का जो सपोर्ट है वो था 22,403। और मार्केट जो है वो हमारा, ये हमारी मंडे की कैंडल है, मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। तो मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ एक मार्केट खुला, लेकिन वापस रेड कैंडल के साथ, और एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट है 22,327, ये वाला 22,327 ये वाले सपोर्ट के ऊपर मार्केट आकर रुक गई। अगले दिन ट्यूसडे को एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट 22,327। मैं 22,327 क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेवल कितने सटीक थे कि मार्केट मंडे को गिरी और सीधा 22,327 पे ही क्यों रुकी। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट 22,327 पे ही खुली, ये देखें जरा डोजी को ध्यान से, 22,327 पर ही खुली और नीचे में गई करीब 22,256 यहाँ पर, और ऊपर गई वापस 22,452, लेकिन बंद वापस वहीं हुई 22,327। तो अल्टीमेटली 22,327 दोनों दिन, मंडे और ट्यूसडे, एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम किया। और उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुई और सारे लेवल्स को काटते हुए मार्केट ओपन हुई, और उसके बाद वापस एक बड़ी रेड कैंडल, और जिसने हमारे डे और वीक दोनों ही लेवल्स को काट के नीचे बंद किया। लेकिन अभी भी 21,780 जो मंथ का मेजर सपोर्ट है उसके ऊपर मार्केट अभी भी टिकी हुई है। और फाइनली थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही मार्केट बंद हुआ है, करीब 22,000
23 पे मार्केट बंद हुआ है और 21,780 हमारा मेजर सपोर्ट, करीब मेजर सपोर्ट से 200 पॉइंट ऊपर मार्केट टिकी हुई है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या हम इस मेजर सपोर्ट को 21,780 को तोड़ पाएंगे, क्या बाजार का मोमेंटम, क्या ये जो फेड ने एक झटका दिया है, क्या जो एक इन्फ्लेशन का डेटा आया है, ये मोमेंटम इतना बड़ा कर सकता है मार्केट का कि ये हमारे मेजर लेवल को तोड़े और उसके नीचे सस्टेन करे। तो दोस्तों ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हाँ पिछले वीक जो हमने लेवल्स देखे 22,327 का लेवल एक अच्छा लेवल काम किया, फाइनली उसके नीचे हम बंद हुए हैं। और अगर मैं बोलूं कि यूडीटीएस के लेवल्स को सम्मान मिला तो मैं कहूँगा हाँ ज़रूर मिला है। तो अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूँ तो न्यूज़ तो अभी कोई बहुत अच्छी नहीं आई है, लेकिन हाँ जो इकोनॉमिक डेटा है वो कोई बहुत खराब ही नहीं है। तो हम न्यूज़ एंड डेटा को अभी न्यूट्रल रखते हैं। जब न्यूज़ एंड डेटा न्यूट्रल है तो फिर कौन हेल्प करेगा, फिर तो टेक्निकल्स हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है और हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस मॉनिटर पे। यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर आ गया हूँ मैं और यहाँ ये आपको दिख रहा है बहुत क्लीन, अभी भी हम येलो जोन में हैं, जो अभी भी हम ग्रीन की तरफ झुके हुए हैं, जो ये जो सुई है ये अभी भी टूवर्ड्स ग्रीन है। इसका मतलब हम मंथ पे तो बुलिश हैं लेकिन डे और वीक के ऊपर हम बेरिश हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मार्केट के अंदर अभी पूरी मंदी किसी हालत में नहीं बनी है। और चलिए नोट करते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 22,064.85, वीक के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 22,517.50 और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 21,780। तो ये हैं निफ्टी के लेवल्स। अब नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस है 46,825.75, वीक के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 47,792.20 और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,580। तो आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मंथ के ऊपर अभी भी ऊपर हैं लेकिन डे और वीक के ऊपर ये डाउनवर्ड्स दिख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करें कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी गिरते हुए मार्केट में भी कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है, हालांकि कम ही दिख रही है ऐसी कुछ डिमांड, कोई खास डिमांड नहीं दिख रही है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में। इंजीनियरिंग इंटरनेट बेस्ड कंपनीज जो हैं उसमें कुछ डिमांड हो सकती है, ओवरऑल किसी बड़े सेक्टर में कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। चलिए देखें सप्लाई, अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई तो होगी किसी में, चलिए हाँ सप्लाई में तो कुछ दिख रहा है, करेक्ट। सबसे नीचे जो सप्लाई में नाम आ रहा है वो है केमिकल्स, यानी कि सबसे बड़ा सप्लाई का सेक्टर जो इस समय बना हुआ है वो है केमिकल्स। तो अगर मुझको कोई बेयर ट्रेड लेना है तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट टर्म का, इंट्राडे का इस सेक्टर से चुने, बशर्ते कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी एक बेरिश मोमेंटम टेक्निकली बना हुआ है। इसके बाद और कौन से स्टॉक हैं, और कौन से सेक्टर हैं केमिकल्स के बाद, फार्मा। ये फार्मा वो सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा डिमांड जिसमें पिछले दिनों बनी हुई थी और अब सबसे ज़्यादा सप्लाई भी इन्हीं में बनी हुई है। रीज़न क्या है, एक ज़बरदस्त, क्योंकि जो सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी सबसे पहले उन्हीं सेक्टर्स में आती है। तो इस समय फार्मा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर एग्री, मेरे ख्याल में इतना सफिशिएंट है, फार्मा, केमिकल्स और एग्री, ये तीन सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई। तो चलिए फाइनली चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। मैंने अभी अभी आपको लेवल्स लिखवाए हैं निफ्टी के, निफ्टी मंथ का लेवल सपोर्ट है 21,780, अब हमारा जो रेजिस्टेंस है डेली का रेजिस्टेंस वो है 22,064 और वीक का रेजिस्टेंस है 22,517, हम बंद हुए हैं 22,023 पर, यहाँ पर 22,023, ये पॉइंट 22,023 के नीचे करीब 200 पॉइंट नीचे हमारा मेजर सपोर्ट है मंथ का। तो जितने भी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो 18,000 पर जब ये बुलिश हुआ था तब वो इस बस में चढ़े थे,
तो उनको निकलने का मौका आएगा अगर ये इसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है। हालांकि अभी तो 16 तारीख है, मंथ कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है, तो जल्दबाजी कुछ भी ना करें। तो अभी बेसिकली एक मेजर सपोर्ट के पास हम आए हुए हैं। अब इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स का पहली चीज़ केवल और केवल आपका ध्यान बुलिश बास्केट्स में ही अभी भी होना चाहिए। रीज़न क्या है कि अभी भी हम ओवरऑल बुलिश में ही हैं, लेकिन कब? अगर ये दोनों लेवल के ऊपर हम होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये दोनों लेवल तो बहुत दूर हैं, हम इसके ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तो अवॉइड करें ट्रेड। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मार्केट में ट्रेड करना है, हर दिन आपका नहीं हो सकता। केवल जब ही ट्रेड करें जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। ऐसे में ये जो आप कर रहे हैं कि इस समय अगर हम कुछ भी काम करते हैं इस लेवल के बीच में, तो शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। यूनी डायरेक्शनल, सारे पावर, सारे डिमांड्स जब एक ही डायरेक्शन में हो तभी काम करना चाहिए। बड़ा पावर इस समय ग्रीन का है, यानी कि बड़ा पावर इस समय मंथ का है, तो वीक और डे के रेजिस्टेंस दूर ज़रूर हैं। अगर नहीं पहुंचते हैं तो एक आध दो दिन वेट करना चाहिए, छुट्टी मनानी चाहिए। और हाँ, बिल्कुल, ये जो प्रूडेंट ट्रेडर्स हैं वो ऐसे मौके चूकते नहीं हैं। जब मौका ना हो तो ट्रेड ना करें, ट्रेड से बाहर रहें। और हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है क्योंकि ऐसे में मार्केट जो है वो साइड वाइज हो सकती है, तो ऐसे में जो बास्केट अगर आप बना के ट्रेड कर सकते हैं वो कर लीजिए। 2 बाय 2 सेल, एक न्यूट्रल बास्केट बना के काम करें। जो स्टॉक्स खरीदने वाले हैं वो आपको पता है कौन से खरीदने वाले हैं, जिनके अंदर डिमांड है। अकॉर्डिंग टू UDTS, जिन स्टॉक्स में डिमांड है उनको 2 बाय कर सकते हैं, जिनमें सप्लाई है उनके 2 सेल कर सकते हैं। 4 ट्रेड की बास्केट बनेगी, बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा, हेजिंग के साथ रहेगा, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। आज एनर्जी थोड़ी सी कम है क्योंकि आज हमारा नॉर्थ कैंपस का ब्रांच का ओपनिंग था और वहाँ पर अभी सेमिनार ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद जस्ट मुझे शूट करना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स, अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन UDTS ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।